ग्रोइंग प्लांट है जो आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसको मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और आसानी से ग्रो होने वाला बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट। आप कभी भी गर्मी हो चाहे ठंड हो या बारिश हो कभी भी ग्रो कीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। और ये प्लांट मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होता है और रसोई में भी यूज़ होता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर ले तो इसकी मिट्टी हमें कैसे भी मिट्टी में लगाए ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। पर हाँ, आप गमले में लगाना चाहते हो तो इसकी मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनानी चाहिए, जिसमें एक भाग रेत होगी, एक भाग गार्डन सॉइल और एक भाग खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद हो या पत्तों की खाद, कोई भी खाद डाल सकते हैं। और इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखने की हमेशा, जिससे ये प्लांट बहुत बढ़िया रहेगा। इसकी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। कहीं भी आपको ये प्लांट दिखे तो इसकी कोई भी कटिंग, कैसी भी थोड़ी सी इतनी सी देखो इतनी सी कटिंग तोड़ लीजिए और इसको आप घर में कहीं भी कोई भी गमले में आसानी से इसे मिट्टी में ऐसे मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और इसकी मिट्टी देखो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए और एकदम वेल ड्रेन, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। इस और ये फुल सन लविंग प्लांट है। अब पूरे दिन की धूप में रखो, चाहे कुछ भी 2 घंटे की धूप हो या पूरे दिन की धूप, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। धूप में ख़राब भी नहीं होगा और गर्मियों के सीज़न में बेस्ट प्लांट है, जो आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। बहुत आसानी से बढ़ता है और बहुत जल्दी पूरा गमला बढ़ जाएगा आपका। देखते ही देखते ये एक कटिंग से आपका पूरा गमला बढ़ जाएगा और आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। देखिए, ये मैंने कम से कम 6-7 महीने पहले लगाया था और आज पूरा गमला भर गया है पूरा। ये थर्मोकोल का सीट है, थर्मोकोल का बॉक्स था जिसमें मैंने लगाया था, तो अब पूरा भर गया है। और ये कटिंग मैंने कम से कम 8-10 दिन पहले लगाई है, तो देखो ये लग गई है। और ये ऐसी आपको कहीं भी ऐसी भी थोड़ी सी 1-2 ब्रांच मिले तो लाकर घर पे लगा दी, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ये फुल सन लिविंग प्लांट है, तो गर्मियों भी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। बस इसको 1-2 दिन थोड़ा सा ग्रो हो जाए तो थोड़ी छाँव में रख दीजिए। और फ्रेंड प्लीज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए, ये मेरा न्यू चैनल है। तो चलो वीडियो चलते चलते हम थोड़े मेरे प्लांट दिखा देता हूँ। ये कनेर का प्लांट है, ये अलवंडा की बेल, और ये क्या कनेर है पिंक वाला। ये देखिए इसमें भी कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, ये प्लांट भी बहुत बड़ा हो गया है। और हाँ फ्रेंड, इन गर्मी में अपने पौधे को धूप से बचाने के लिए, जड़ को चलने से बचाने के लिए, मिट्टी गर्म ना हो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, या तो पत्ते डाल सकते हैं या कहीं भी ऐसी मॉइस्चर की कटिंग मिल जाए तो कटिंग ला के लगा दीजिए पूरे गमले में। देखो पूरा गमला कवर कर लेगा, ये देखिए ये वाला। और ये मेरा अनार का पेड़ है जो मैंने कटिंग से लगाया था। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ फ्रेंड। ओके बाय।